नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्यारे YouTube चैनल में। और आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लैक बुक की वोकैब्स। ये ब्लैक बुक की वोकैब्स जो कि SSC के प्रीवियस ईयर की वोकैब्स है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी वोकैबुलरी इसमें दी गई है, अगर कोई पूरी वोकैबुलरी आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में लगभग 90 to 95% क्वेश्चंस जो हैं वो आप के करने की संभावना बढ़ जाएगी। चाहे वो वोकैब्स से रिलेटेड हो, वोकैब्स से रिलेटेड जितने भी हों, चाहे वो आपके क्लोज टेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, आपकी एंटोसाइनो की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपके पैसेज को पढ़ने की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, कैसे जब उसमें टफ़ टफ़ वर्ड जो आते हैं वो आपके सॉल्व होने लगेंगे। तो चलिए ब्लैक बुक के बारे में हम देखते हैं कि ब्लैक बुक में क्या क्या दिया गया है। जितने लोग नए हैं वो ज़्यादा सही से ज़्यादा अच्छे से देखें आप लोग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस दिए गए हैं इसमें, इडियम्स फ्रेज दिए गए हैं, साइनो एंटो दिए गए हैं, द हिंदू की वोकैबुलरी दी गई है, फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं, जो कि मैंने अपने चैनल पे खुद ढेर सारे फ्रेजल वर्ब कराए हैं प्लेलिस्ट में आप लोगों को, और प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं 111,000 वर्ड्स दिए गए हैं। और आप लोग इस तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। अगर इसकी आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF जो है वो मेरे इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप लोगों को इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं, आप लोगों को बताने जा रहे हैं हम ब्लैक बुक के बारे में। हो गया सारी चीज़ें। अब मैं बता दूं कि आप लोगों की 7 बजे की जो अपलोड होती है क्लास, वो ब्लैक बुक की अपलोड होती है। आज थोड़ी लेट अपलोड होगी, ठीक है। और आप लोगों के लिए 8 बजे अपलोड होगी आज द हिंदू न्यूज़पेपर की वीडियो अपलोड होगी, और शाम 7 बजे MB पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड होती है, ठीक है। तो ये तीनों वीडियो आप लोगों की अपलोड होती है, तो आप लोग ज़रूर देखें इसे। तो चलिए अब देखते हैं हम। हमने आप लोगों को बता दिया था 152 तक वोकैब्स जो हैं वो हमने बता दिया है। 153 से आज हमें स्टार्ट करना है पढ़ने। तो चलिए देखते हैं पहला क्या दिया गया है। पहला आपका दिया गया है कोलेट। कोलेट का मतलब होता है एकत्र करना, कलेक्ट करना। कोलेट से कलेक्ट याद कर लीजिए, कोलेट कलेक्ट, कलेक्ट करना, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना किसी से, ठीक है, वो होता है आपका कोलेट। कोलेट, कोलेट कलेक्ट, ठीक है। असेंबल दिया गया है, इसका साइनो दिया गया है एक असेंबल। असेंबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि लोग असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, ठीक है, असेंबली हॉल होती है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो ये एकत्र होना, इकट्ठा होना, वो भी असेंबल होता है। और कोलेट कलेक्ट, कोलेट कलेक्ट, ठीक है, इस तरीके से हम कलेक्ट याद कर लेंगे। अगला दिया गया है आपका कोलोक्वियल। कोलोक्वियल का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा। कोलोक्वियल का क्या मतलब होता है आपका, आम बोलचाल की भाषा को हम क्या बोलते हैं, कोलोक्वियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं एस को बोलते हैं या, एस को क्या बोलते हैं या, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोलोक्वियल होती हैं, ठीक। तो और इस तरीके के वर्ड जो बोले जाते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं, वो कोलोक्वियल होते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं मेरे बाबू ने थाना थाया, ये कोलोक्वियल है, ठीक है। एक तरीके से ऐसे याद रिलेट करके हम याद करेंगे, कितने आसानी से याद हो जाएगा हमको। तो ये सारी चीज़ें आपकी कोलोक्वियल लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। वॉन गोन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जैसे आई वाना बोलते हैं ना, तो ये कोलोक्वियल है, ये आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होता है, ये औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से जो है वो प्रयुक्त नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, कोलोक्वियल हो गई, ठीक। इन क्या दिया गया है, फैमिलियर, जिसे हम अपने दोस्तों के साथ और सारी और सब लोगों के साथ वर्ड यूज करते हैं, वो होता है आपका कोलोक्वियल, ठीक है। जैसे किसी किसी का नाम, जैसे मान लिया कपिल शर्मा से ही ले लेते हैं, कपिल है, जिनका शॉर्ट नाम बोलते हैं कप्पू, ठीक है। तो ये जो है वो एकदम फॉर्मली हम नहीं यूज़ कर सकते हैं इसे। कोलोक्वियल का मतलब होता है सब मिला करके आम बोलचाल की भाषा, ठीक। अगला दिया गया है कम्बस्टिबल। कम्बस्टिबल का मतलब क्या होता है, कम्बस्टिबल का मतलब होता है ज्वलनशील, इनफ्लेमेबल। कम्बस्टिबल, इनफ्लेमेबल, कम्बस्टिबल क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है, ठीक है। कम्बस्टिबल, इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। अब ज्वलनशील याद कैसे करेंगे, कम्बस्टिबल गैसेज होती हैं, ज्वलनशील गैसेज होती हैं, ठीक है, कम्बस्टिबल गैसेज याद कर लेंगे, ठीक। अब देखते हैं कमेमोरेट का मतलब होता है सेलिब्रेट। कमेमोरेट का मतलब क्या होता है, सेलिब्रेट करना, किसी चीज़ को मनाना, ठीक है, कमेमोरेट, सेलिब्रेट। अगला देख लेते हैं, अगला है आपका कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय या सराहनीय, ठीक है,
अब इसे हम कैसे याद करें? अगर हम देखें तो सराहनीय कोई काम इस समय कमेंडेबल वर्क कौन कर रहा होगा, इस समय जो लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा होगा, इस समय जो लोगों को गरीब लोगों की हेल्प कर रहा होगा, जो डेली बेसिस पे अपना कमाते थे और अपने जीवन यापन करते थे, आज दिन उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही है और लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि सोनू सूद जो है वो लोगों की हेल्प बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये लोग जो हैं वो कमेंडेबल हैं, ठीक है, प्रशंसनीय का इनका जो काम है वो कमेंडेबल है, ठीक है, इनका जो काम है वो प्रेजवर्दी है। तो कमेंडेबल का मतलब क्या हो जाएगा? सराहनीय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कमोशन। कमोशन का मतलब होता है हो हल्ला करना, हल्ला गुल्ला करना लिखा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा अचानक जो है वो तेज़ी से चिल्लाने लगना, शोर मचने लगना, वो होता है क्या? कमोशन, डिस्टरबेंस और फस, ठीक है। अगला क्या देखते हैं? कंपेंसेट। कंपेंसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा आजकल तूफान ताउते आ रहा है, आया हुआ है ना, और तूफान ताउते अरब सागर से सटे हुए जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे तूफान ताउते आया हुआ है, वहाँ से लोगों को जो क्षति होगी सरकार उसे कंपनसेशन देगी, तो उनको मतलब क्षतिपूर्ति देगी। तो कंपेंसेट का मतलब क्या होता है? कमी की पूर्ति करना या क्षतिपूर्ति। मेकअप फॉर का भी मतलब होता है क्षतिपूर्ति। अब मेकअप फॉर लिखी उठा है तो आप लोग लिखिए मेकअप फॉर तो होता ही है आपका क्षतिपूर्ति। मेक एमेंड फॉर का मतलब भी होता है क्षतिपूर्ति। मेक गुड, ठीक है, मेकअप फॉर, मेक एमेंड फॉर। और नेक्स्ट हम देखते हैं कंपेटेंट। कंपेटेंट का मतलब होता है सक्षम। कंपेटेंट का क्या मतलब होता है? सक्षम होता है। तो लिख लीजिएगा इसे, कंपेटेंट का मतलब हो जाएगा सक्षम, कैपेबल। कंपेटेंट का क्या मतलब हो जाएगा? सक्षम या क्या हो जाएगा? कैपेबल हो जाएगा। जैसे कि मैं एक लैंग्वेज बोल लेता हूँ हिंदी, दूसरी लैंग्वेज मैं बोल लेता हूँ इंग्लिश, तीसरी लैंग्वेज में बोल लेता हूँ चाइनीज, छुआई छुआई ऐसे, ठीक है, ये क्या हो गया? मैं थ्री लैंग्वेज कॉम्पिटेंट हो गया ही, मतलब आई एम कॉम्पिटेंट इन थ्री लैंग्वेजेस। क्या लिखेंगे हम? आई एम कॉम्पिटेंट इन थ्री लैंग्वेजेस, इसका मतलब है कि मैं तीन लैंग्वेज बोलने में सक्षम हूँ, ठीक है, आई एम कॉम्पिटेंट इन थ्री लैंग्वेजेस। तो देखिए आप लोग, तीन लैंग्वेज में बोल ले जा रहा हूँ, तीन भाषाओं का ज्ञान मुझे है। तो सब मिला करके हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या दिया गया? कंपेटेंट। कंपेटेंट का मतलब होता है सक्षम, जैसे आई एम कंपेटेंट इन थ्री लैंग्वेज, ठीक है। कमोशन का मतलब होता है हो हल्ला, जैसे इसको याद कैसे करेंगे? देखो कॉम, कॉम का मतलब होता है एक विशेष संप्रदाय। कॉम का मोशन, कॉम का मोशन होगा तो काम का मोशन मतलब काम के लोग, एक विशेष कॉम के लोग जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा शोरगुल करेंगे ही, वहाँ से भी कॉम मोशन याद कर सकते हैं। कॉम्पिटेंट मीन्स याद कर लेंगे, आई एम कॉम्पिटेंट इन थ्री लैंग्वेज। कॉम्प्ले, और इसका क्या हो जाएगा? कैपेबल। कैपेबल के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है, नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। अगला देखते हैं हम क्या? अगला देखते हैं कॉम्प्लियंट। कॉम्प्लियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। कॉम्प्लियंट का क्या मतलब होता है? आज्ञाकारी, ठीक है। सबमिसिव, ये 2018 में पूछा गया है, ठीक है। कॉम्प्लियंट का मतलब होता है सबमिसिव। ये देखिए आपका कितनी बार पूछा गया है, ये यहाँ दिया गया जाता रहा है। जब एक बार पूछा जाएगा वो नहीं दिया गया है, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। जो दो बार पूछा गया है वो यहाँ पे लिखा गया है। कमोशन जो है वो रिपीट हुआ है दो बार, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे एक वर्ड ये आया हुआ है, ये दो बार रिपीट हुआ है, तो हम बताते रहेंगे आप लोगों को। ये सारी चीज़ें पूछी ही पूछी गई हैं। ये देखिए एक कंडेम जो है वो चार बार आया है, कंडेम जो है वो चार बार आया है, अभी हम आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। ये देखिए 4 times, ठीक है, रिपीट हुआ है, सारी चीज़ें रिपीट होंगी, रिपीट ही होती हैं। अगला देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है ना, कहते बोलते हैं ना कि सर कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई जटिल समस्या तो नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का मतलब हो जाएगा जटिल समस्या, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लिख लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स मतलब भी जटिल होता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या? अगला देखते हैं कंसील। कंसील का मतलब होता है गुप्त। कंसील का क्या मतलब होता है? गुप्त, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है अभिमानी, ये इसमें रहने दीजिएगा अभी। कंसील का मतलब, कंसीटेड का मतलब होता है अभिमानी, ठीक है। इसमें का मतलब संतुष्ट भी होता है ना, तो इसलिए हम अभी उसको रोक रहे हैं।
कंसीटेड का मतलब होता है अभिमानी, इसका लिख लीजिएगा यानी कि घमंडी। एरोगेंट लिख लीजिएगा, एरोगेंट के अलावा हमने एक और वर्ड बताया बमचुअस, बमचुअस का मतलब भी अभिमानी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, हमने 52 से शुरू किया था ना आज, बमचुअस कंसीटेड, कंसीटेड में वहाँ हमने एग्जाम्पल दिया था हाउ टू डील विद कंसीटेड एंड एरोगेंट पीपुल, हम कैसे अहंकारी व्यक्ति के साथ डील कर सकते हैं, डील विद हो सकते हैं। ठीक है, तो कंसेशन, कंसेशन जानते हैं आप लोग, जाते हैं दुकान पे, कोई मतलब मान लिया ड्रेस लेने गई, कोई लड़कियां जो है बहुत ज़्यादा करती हैं कि कोई ड्रेस लेने गई और फिर वो क्या कराती हैं बहुत ज़्यादा, भैया कुछ इसमें और कोई कंसेशन करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, कंसेशन होता है। अलाउंस का मतलब होता है भत्ता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कंकॉक्टेड, कंकॉक्टेड का मतलब होता है मनगढ़ंत, मनगढ़ंत बातें बनाते हैं लोग, जैसे जैसे आप भी बनाते रहे होंगे जब बचपन में, जब स्कूल जाते रहे होंगे, स्कूल जाते हैं तो जिस दिन स्कूल जाने का मन नहीं होता था उस दिन एक लंबी चौड़ी एक बातें बना लेते थे कि सर मेरे यहाँ जो मेरा मतलब मेरे प्रॉब्लम थी, मेरा पेट दर्द हो रहा था, मेरा सर दर्द हो रहा था, मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे डॉक्टर के यहाँ सब लोग लेकर के गए थे, वहाँ से मुझे ग्लूकोज लगा, इंजेक्शन लगा और उसके बाद जा कर के सर आराम हुआ। फिर आते हैं यही प्रॉब्लम जो है वो अपने टीचर को जा कर के हम लोग बताते थे, तो यहाँ ये सारी बातें जो है वो क्या करते थे हम, कनकॉक्टेड, ये सारी बातें कैसी थी, कंकॉक्टेड थी, ये सारी बातें कैसी थी, मनगढ़ंत थी, एक्चुअली में कुछ होता नहीं था। ठीक है, और कंकॉक्टेड का मतलब और होता नहीं था, सब क्रिकेट खेलने जाते थे और बहाना बना देते थे क्या कि हम कोई बीमारी हो गई है, हमें पेट, सबसे बड़ी बहाने बहाना तो यही होता था कि पेट दर्द हो रहा है। ठीक है, ये आपका कंकॉक्टेड सारी बातें क्या होती थी, कंकॉक्टेड होती थी। ठीक है, ड्यूबियस दिया गया है, जो ड्यूबियस का मतलब होता है एकदम संदिग्ध बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है देखिए, एक बात हम बताएं आप लोगों को, ये जो साइनो दिया गया है इसकी भी मीनिंग याद कीजिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि कॉनकॉक्टेड का साइनो जो है वो ड्यूबियस होगा और ऑप्शन में ड्यूबियस आ गया तो कोई और ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं अलग अलग आप लोगों को बताता रहता हूँ, ये ड्यूबियस नहीं होगा। अलायंस का मतलब भत्ता होता है, अलायंस का मतलब भत्ता होता है, और क्या नाम है, यहाँ पे कंसेशन का मतलब कोई दुकान पे जब हम कंसेशन करवाने जाते हैं, रियायत करवाने जाते हैं, कोई छूट लेने जाते हैं तो वो कंसेशन होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें अलग अलग हैं, अगर तीन ऑप्शन आपके बिल्कुल डिफरेंट हैं तो चौथा ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन ये कहिए कि इसमें जो मीनिंग दी गई है एग्जैक्ट इसकी साइनो है तो ऐसा कहना गलत है, इस तरह से मत याद कीजिएगा आप लोग, कि कंसीटेड का प्राउड याद कर सकते हैं, कंसेशन का अलायंस, क्या नाम है, आप लोग साइनो मत याद करने लगिएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं वो एकदम मतलब लगभग में मीनिंग आ जाती है तो उसे हम सही मान लेते हैं। ठीक, तो ऐसे दिया रहता है। आगे क्या देखते हैं, अगला आपका दिया गया है क्या, नेक्स्ट दिया गया है कंकॉक्टेड हो गया, कंकरेंस का मतलब होता है सहमति, कनकर का मतलब होता है सहमत होना, कनकर का मतलब क्या होता है, सहमत होना, तो कंकरेंस का क्या मतलब हो जाएगा, सहमति। ठीक है, कंकरेंस का क्या मतलब हो जाएगा, सहमति हो जाएगा। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मीन्स भी सहमति, इस तरीके से ये तो एग्जैक्ट साइन हो ही जाएगा इसका। ठीक है, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, ये 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं कंडेम, कंडेम का क्या मतलब होता है, निंदा करना, किसी की आलोचना करना, किसी की निंदा करना, ये होता है आपका क्रिटिसाइज करना। पनिश तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे कैसे मीनिंग बना करके दे दिया है, लेकिन अगर चारों ऑप्शन में मतलब कंडेम दिया गया है, अब गुड दे दिया गया है, ठीक है, और कमेंडेबल दे दिया गया है, सेसेशन दे दिया गया और चौथा ऑप्शन पनिश दे दिया गया है, तो भाई पनिश ही होगा, लेकिन हमें सबकी मीनिंग अलग अलग याद करनी है, ये बात ध्यान रखना है। क्रिटिसाइज आलोचना करना, डिनाउंस निंदा करना, ये आप लोग तीनों साइनों याद कर सकते हैं, मैं बताता रहूँगा। कंडेम मीन्स निंदा करना, इसका साइनो सही हो जाएगा डिनाउंस और क्रिटिसाइज। पनिश का मतलब होता है किसी को पनिश करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉन्डन, कॉन्डन का मतलब क्या होता है, कॉन्डन का मतलब होता है आपका किसी को ध्यान ना देना, ओवरलुक करना। ठीक है, एक होता है फ्रेजल वर्ब पास ओवर, पास ओवर का भी मतलब होता है आपका ओवरलुक करना। ठीक, तो कॉन्डन का मतलब भी होता है क्या, ध्यान ना देना, ओवरलुक करना, या मोरली रॉन्ग भी होता है कॉन्डन का मतलब,
मोरली रॉन्ग, आप लोग लिख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं उसे लिखना है। अगर एज इट इज सिर्फ सिर्फ यही पढ़ना ही होता, मैं बार बार कहता हूँ, तो आप लोग बुक खरीद के PDF प्रोवाइड करा के पढ़ सकते थे। लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं याद करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, कंडेम का पनिश मत याद कर लीजिएगा साइनो, ठीक है। इसकी मीनिंग अलग याद कीजिएगा, इसकी मीनिंग अलग याद कीजिएगा, हो सकता है एक आध दो में एग्जैक्ट मीनिंग मिल जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका साइनो ये होता है, यही रट करके हम चले जाएँ, नहीं बिल्कुल मत कीजिएगा। कन्फिडरेट, कन्फिडरेट मीन्स होता है संधि करना होता है, कंबाइंड का मतलब होता है एकदम जुड़ा हुआ, ठीक है। कन्फिडरेट का मतलब क्या होता है, संधि करना, कन्फिडरेट का क्या मतलब हो जाएगा, संधि करना। और नेक्स्ट देखते हैं हम कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है अपना अपराध स्वीकार करना, अपराध स्वीकार करना वो होता है आपका क्या, कन्फेस, आपने कोई अपराध कर दिया है, कोई गलती कर दिया है और उसे स्वीकार कर रहे हैं, आप कन्फेस कर रहे हैं, ठीक है। एडमिट मीन्स भी होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गुप्त, कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, कॉन्फिडेंशियल फाइल होती है जो एकदम गुप्त फाइल होती है, जो जो लोगों के सामने जिसे हम नहीं रख सकते हैं जिन बातों को, ठीक है, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है, गुप्त होता है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसी को, फिर प्रीवियस मीनिंग रिवाइज करेंगे आज हम। क्या दिया गया है आपका, कोलेट कॉलेक्ट, कोलोक्वियल आप लोग जानते हैं, बाबू इन थाना थाया, कोलोक्वियल। कम्बस्टिबल का मतलब क्या हो जाएगा, कम्बस्टिबल का मतलब हो जाएगा कम्बस्टिबल गैसेज, ज्वलनशील गैसेज। कमेमोरेट का मतलब होता है मनाना, उत्सव, कोई सेलिब्रेट करना, ठीक है। कमेंडेबल, कमेंडेबल जैसे कि लोग ऑक्सीजन की लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, गरीब लोगों को खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, उनका काम क्या है, कमेंडेबल है इस समय लॉकडाउन के समय में। कमोशन का मतलब होता है, कॉम का मोशन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हो हल्ला होगा ही। कंपेंसेट, ताऊते तूफान चक्रवात आया हुआ है, वहाँ लोगों को क्या किया दिया जाएगा, कंपेंसेशन दिया जाएगा, एक तरीके का कंपेंसेट किया जाएगा, यानी कि क्षतिपूर्ति दी जाएगी, जितने लोगों के मकानों की क्षतिपूर्ति कुछ लोगों को मिलेगी, कुछ कहीं मिलेगी, कुछ कुछ मिलेगी, अलग अलग तरीके की जितनी क्षति हुई होगी उस हिसाब से उन्हें मिलेगी, तो ये आपका कंपेंसेट का मतलब होता है, कमी या पूर्ति होना। आगे देखते हैं मेकअप फॉर, मेक अमेंड फॉर, ठीक है, मेकअप फॉर, मेक अमेंड फॉर सब, और मेक गुड, इसका मतलब होता है क्या, क्षतिपूर्ति। कंपेंसेट के साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज होता है, बात ये भी ध्यान रखिएगा। कंपेटेंट, आई एम कंपेटेंट इन 3 लैंग्वेज, ठीक है, अभी हमने लैंग्वेज तीनों बोल के दिखाई है। अगला देखते हैं हम कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब, कॉम्प्लियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, सबमिसिव। कॉम्प्लियंट, कॉम्प्लियंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी हो गया। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब जटिल, कॉम्प्लेक्स। कंसील का मतलब छिपाना होता है, कंसील का क्या मतलब होता है, छिपाना होता है। हिडन, कंसीटेड का मतलब हमने कई बार बताया है, हाउ टू डील विद कंसीटेड एंड एरोगेंट पीपल। कंसीटेड का मतलब हो जाएगा क्या, बहुत ज़्यादा घमंडी। एरोगेंट का मतलब हो जाएगा घमंडी। बम्पचुअस का मतलब घमंडी हो जाएगा, अभी मैं बी में आज आप लोगों को दिखाता भी हूँ, हमने सॉल्व कराया है। सेसेशन, सेसेशन का मतलब क्या होता है, सॉरी कंसेशन, कंसेशन का मतलब क्या होता है, रियायत, कोई छूट। एलायंस का मतलब होता है भत्ता, एलायंस का क्या मतलब होता है, भत्ता। अगला देखते हैं कंडेम, कंडेम का मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। डिनाउंस का मतलब भी निंदा करना होता है, लेकिन पनिश करना का मतलब दंड देना होता है, ठीक है। कॉन्डन, कॉन्डन का मतलब होता है ध्यान ना देना, ओवरलुक करना, पास ओवर करना। पास ओवर जो है वो पूछा गया है कि उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था, लो अधिकारी उसके प्रमोशन को क्या कर रहे थे, पास ओवर कर रहे थे, इसलिए उसने रिजाइन दे दिया, यही क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया। कन्फिडरेट, कन्फिडरेट का मतलब होता है संधि करना। कंबाइंड मीन्स होता है एकदम कंबाइंड, जुड़ा हुआ, ठीक है। और कन्फेस का मतलब होता है किसी अपराध को कन्फेस करना। और कॉन्फिडेंशियल फाइल होती है, गुप्त फाइल होती है। कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, गुप्त मैटर होता है ना, तो इस तरीके से हम याद करेंगे। 172 या 152 से 172 तक हमने याद कर लिया, लगभग 50-51 मीनिंग जो है वो आज हमने 20-21 मीनिंग याद कर ली है, ठीक है। अब हम पिछले मीनिंग की तरफ, रिवाइज करने की तरफ बढ़ते हैं, डेली रिवाइज करेंगे। जितने लोग रिवीजन वाला देखेंगे उनको बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप लोग आसानी से याद हो जाएगा। कोजेंट, कोजेंट का मतलब क्या होता है, प्रभावशाली। हमने कोजेंट रीजन बताया था, ठीक है। कॉडल, डॉल को क्या करना, बहुत ज़्यादा प्यार करना। अगला क्या दिया गया है, क्लस्टर, क्लस्टर ऑफ स्टार्स होता है तारों का समूह, ठीक है। क्लम्सी, क्लम्सी का मतलब भद्दा भी होता है और अनस्किलफुल भी होता है। क्लम्सी का मतलब भद्दा भी होता है और अनस्किलफुल भी होता है। क्लस्टर्ड का मतलब तन्हा होता है, ठीक है।
क्लिंच्ड का मतलब होता है क्या? क्लिंच्ड का मतलब पक्का करना होता है, और हमने बताया था क्लिंच्ड का मतलब किसी चीज़ को पाने में सफल होना, ये याद कीजिएगा। क्लिंच्ड का मतलब याद कीजिएगा, किसी चीज़ को पाने में सफल होना, क्लिंच ए विक्ट्री बताया था हमने, ठीक है, क्लिंच ए विक्ट्री याद कीजिएगा। क्लाइमैक्स का मतलब चरम बिंदु, कल्मिनेशन। क्लैस्प का मतलब होता है तेज़ी से किसी पकड़ना, जैसे किसी का हाथ जो है वो क्लैस्प करते हैं, तेज़ी से पकड़ लेते हैं, ठीक है। ग्लैमर का मतलब होता है ग्लैमर को देख, शहर में आया ग्लैमर और उसको देख करके होने लगा क्लैमर, ठीक है। सिटाडल, सिटाडल का मतलब होता है किला, गढ़ के आगे, गढ़ ना याद करके किला याद कीजिएगा, सिटाडल का मतलब क्या होता है, किला। कोरस का मतलब होता है सिंगिंग, गाते, मतलब सिंगर्स का ग्रुप। चाइड का मतलब क्या होता है, चाइल्ड को चाइड करना, चाइल्ड को चाइड करना, चाइल्ड को डांटना, ठीक है। रिबक का मतलब भी होता है डांटना, रेप्रीमेंड का भी मतलब होता है डांटना, चाइड रिबक रेप्रीमेंड इज कॉल्ड, चाइड रिबक रेप्रीमेंड इज कॉल्ड, ऐसे याद कीजिएगा, चाइड रिबक रेप्रीमेंड इज कॉल्ड, चाइल्ड रिबक, आप मेरे साथ बोलिए, चाइल्ड रिबक रेप्रीमेंड इज कॉल्ड, ठीक है। अगला देखते हैं हम चौनिज्म, चौनिज्म का मतलब नेशनल चौनिज्म बताए थे, कट्टरता होती है, जिलेटरी होती है, ठीक है, कट्टरता। अगला देखते हैं करिश्मा, करिश्मा का मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्रतिभा, ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, आगे आगे क्या दिया गया, कैरेक्टर, आप लोगों को मालूम है ट्रेट मीन्स भी चरित्र होता है, इस मतलब किसी के अंदर कैसा ट्रेट है, हमने बताया था कि ट्रे लेकर के आती है दुल्हन, ट्रे में टी लेकर के आती है, लोग ये इसी उसी टाइम ये अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि वो लड़की कैसी है, मतलब उसका स्वभाव कैसा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें लोग पहले जज करते थे पहले के ज़माने में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या दिया गया, चाओस, चाओस का मतलब होता है अराजकता, चाओस का मतलब क्या होता है, अराजकता, हमने बताया था डोमेस्टिक चाओस होता है, शादी के घरों में चीज़ें जो है वो इधर उधर क्या होती हैं, शादी के बाद बिखरी हुई होती हैं, फिर उसे हम अरेंज करते हैं, वो चाओस, डोमेस्टिक चाओस, ठीक है। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन, और अल्टर एक प्रकार की वर्ब है, पहली बात ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ नाउन में एक परिवर्तन के सेंस में दे दिया है, इसका मतलब परिवर्तन नहीं, परिवर्तन करना होता है, ठीक है, ये सही कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें इसमें। आगे क्या दिया गया है, सैफ दिया गया है, सैफ का मतलब होता है झुंझलाना या क्रोध करना, इरिटेट करना किसी को, किसी के किसी पर रेस्ट्रिक्शन लगा देना कि घर से बाहर मत निकलो, ये मत करो, वो मत करो, सारी दुनिया भर की रेस्ट्रिक्शन लगा देना और उससे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगे, तो वो होता है सैफ, ठीक है। अगला क्या दिया गया, सेरेमोनियल का मतलब फॉर्मल होता है, कैवर्ट का मतलब होता है जंप करना, कूदना, ठीक है। कैटास्ट्रोफ का मतलब आपदा होती है, काली है जहाँ की मिट्टी वो है काला मिट्टी, काली मिट्टी कब होती है, जब आपदा आती है, ट्रेजिडी डिजास्टर आप लोग जानते हैं, ठीक है। कैजुअल का मतलब आकस्मिक होता है, कैरोस का मतलब होता है खान पान कर आनंद उठाना, ठीक है। अगला क्या है, कैरिकेचर, कैरिकेचर जो है वो हम बताए थे कि एक कार्टून फिगर होता है, लोग बना देते हैं, वो कैरिकेचर होता है, ठीक है। जैसे कि आज तक में सो सो सॉरी जब वो दिखाता है, सो सॉरी, तो वहाँ दिखाता है, ठीक है ना। और अगला देखते हैं हम, अगला क्या दिया गया है, कैपिचुलेट का मतलब होता है हथियार डालना, कैपिचुलेट का मतलब क्या होता है, हथियार डालना। कॉन्टेंक्रस का मतलब झगड़ालू होता है, हमने बताया था कि मिर्ज़ापुर में गुड्डू भैया बहुत ज़्यादा कॉन्टेंक्रस थे, ठीक है, क्वेरलसम। नेक्स्ट देखते हैं कैनी, कैनी का मतलब चालाक होता है, कैंसिल आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता है, लेकिन एबोलिस का मतलब क्या होता है, एबोलिस का मतलब होता है उन्मूलन करना, खासकर जैसे सती प्रथा का उन्मूलन हो जाए, ठीक है, तो एबोलिस होता है वो, सती प्रथा को एबोलिस करना, सती प्रथा को क्या करना, एबोलिस करना, पर्दा प्रथा को क्या करना, एबोलिस करना, वो आपका होता है क्या, एबोलिस। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉम, आप लोग जानते हैं कैलिबर, हमने बताया था बजाज कैलिबर एक बाइक आती थी पहले, आप लोग सर्च कीजिएगा मिल जाएगा, ठीक है, उसकी जो क्षमता होती थी बहुत ज़्यादा होती थी, ऐसे रिलेट करके हम याद कर सकते हैं कि कैलिबर का मतलब क्या होता है, क्षमता होता है, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोगों से अच्छा कोई नहीं कर सकता है, और बस्टल का मतलब होता है हलचल, बस्टल का मतलब होता है क्या, हलचल। बमचियस, बमचियस का मतलब क्या होता है, हानि, अहंकारी, घमंडी, बमचियस का मतलब होता है अहंकारी, घमंडी, ठीक है ना। एरोगेंट, एरोगेंट हमने बताया ना, एरोगेंट का मतलब भी घमंडी होता है। कंसीटेड अभी हमको मिल गया, सारी चीज़ें मीनिंग कुछ दिन में रिपीट होने लगेंगी, आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए, एकदम अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग आज 100 तक रिवाइज से, कल जो है वो मीनिंग यहाँ तक हम लोगों ने रिवाइज कर ली है, कल भी यही पढ़ेंगे और पिछली भी मीनिंग पढ़ेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं डेली पूरी चीज़ें रिवाइज करवाऊँगा आप लोगों को, थोड़ा टाइम लगेगा एक सरसरी निगाह से,
पूरी चीज़ें मैं एक बार, दो बार, तीन बार, अरे यार 10, 15, 20 बार, 25 बार, 1 महीने में 30 बार पढ़ लेंगे ना, तो मीनिंग एकदम आप लोगों को याद हो जाएगी, एकदम जुबान पर होनी चाहिए मीनिंग, अगर पूरी पूरा सेशन मेरा देख रहे हैं तो। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग याद करते चलिएगा पुरानी चीज़ें, जैसे जैसे हमने मीनिंग बताया है वैसे वैसे मैं आप लोगों को पूरी चीज़ें रिवाइज़ भी करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। सो जितने लोगों को चैनल पसंद आया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आज शाम तक बहुत ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिएगा ब्लैक बुक को। सो थैंक यू।